नेक्स्ट देखो, अपने जो चल रहा था, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे थे अपन? कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे थे, ठीक है, क्या पढ़ रहे थे अपन? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, तो उसे कंटिन्यू रखते हैं। उसमें देखो क्या चल रहा था, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में जो मैंने आप लोगों को करवा दिया था, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज चल रहा है, ठीक है, यूनिट जो आपने क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जो चल क्या रहा आपने, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट्स में जो टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, देखो वो तो कंप्लीट हो चुका था, है ना, कंप्लीट हो चुका था ना, उसमें अपन साइक्लिक रिंग वगैरह की भी डिटरमिनेशन पढ़ चुके थे, ठीक है। अब देखो इसका नेक्स्ट क्या है, हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ डी ग्लूकोज, ठीक है, देखो हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, क्या है, हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, देखो क्या पढ़ेंगे, हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब देखो क्या था, हावर्थ नामक साइंटिस्ट थे, है ना, हावर्थ नामक क्या थे, साइंटिस्ट थे, है ना, इन्होंने जो ग्लूकोज है उसकी जो सिक्स मेंबर्ड, मतलब जो ग्लूकोज सिक्स मेंबर्ड, सिक्स मेंबर स्ट्रक्चर बनाता है ना, सिक्स मेंबर स्ट्रक्चर का निर्माण करता है ग्लूकोज, तो नॉर्मली क्या है, इसकी सिक्स मेंबर स्ट्रक्चर के लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया, है ना, मतलब उसकी स्ट्रक्चर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन सिक्स मेंबर, लाइक जैसे साइक्लोहेक्सेन की लिखते हैं, है ना, वैसे लिखा है इन्होंने, तो उसे क्या कहते हैं, हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। और नॉर्मली इसका स्ट्रक्चर कैसा था, जैसे अपन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड लिखते हैं, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं ना आप लोग, अगर सिक्स मेंबर जैसे कोई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो, वैसे क्या हो, इसकी स्ट्रक्चर बनाई इन्होंने, उसे क्या कहते हैं, हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। और नॉर्मली क्या कहा इन्होंने कि ये जो सिक्स मेंबर्ड रिंग होती है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जैसी ग्लूकोज की, वो उसे पाइरिनोज का डेरिवेटिव माना, है ना, पाइरिनोज का डेरिवेटिव मानकर ही तो दी थी, और फाइव मेंबर रिंग कैसे दी थी, फ्यूरेनोज का डेरिवेटिव मानकर, तो पाइरेनोज का डेरिवेटिव मानकर इन्होंने क्या करा, हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिया, किसका, ग्लूकोज का, ठीक है, क्लियर मेरी बात। अब देखो क्या होता है, नॉर्मली अपन क्या पढ़ते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री में, ठीक है, अगर किसी कायरल सेंटर पर, है ना, मस्ट कंडीशन है कायरल सेंटर होना चाहिए, हावर्थ क्या कहता है, अगर किसी कायरल सेंटर पर, ठीक है, जो ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, अगर उनमें दो बार चेंज कर दिया जाए, पढ़े हो ना आप लोग ये फर्स्ट ईयर में, दो बार चेंज कर दिया जाए स्टीरियोकेमिस्ट्री में, तो क्या देते हैं, सेम कॉन्फिगरेशन देते हैं, दैट मीन्स दे विल बी आइडेंटिकल, ठीक है। अगर अपन किसी कायरल सेंटर में कायरल सेंटर पर, है ना, क्या कराए, ओड सॉरी इवन चेंजेस क्या करवाए अपन, इवन चेंज करवाए, तो क्या आता है, आइडेंटिकल कॉन्फिगरेशन आता है। हावर्थ ने इस बात को कंसीडर करा पहले, तो दूसरी क्या कहा इन्होंने, इसे अपन नॉर्मली क्या है, ये पाइरेनोज, नोज के क्या होते हैं,
डेरिवेटिव है ना, लगभग उस जैसे ही दिखाई देते हैं। तो देखो मैं अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाऊँ तो देखो ऐसे बनाऊँगी क्या, एच सी ओ एच, ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है ना। मुझे एक बात बताओ, जो अल्फा डी ग्लूकोज है उसमें जो कार्बन नंबर 5 है वो एक कायरल सेंटर वाला है, कायरल सेंटर वाला है। तो देखो इसमें मैं फर्स्ट चेंज कराऊँ, फर्स्ट चेंज एच सी ओ एच, यहाँ पे लिखूँ मैं, देखो एक चेंज करवाया और लिखा यहाँ पे ये और यहाँ पे H, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकंड चेंज, ठीक है, अब जैसे मैं ये करवा दूँ सेकंड चेंज में, 1 2 3 4 हो गए, ये क्या था यहाँ पे सी एच टू ओ एच और ये एच को इधर ले जाऊँ, ठीक है। देखना जरा ध्यान से, हुआ सेकंड चेंज। तो देखो ये जैसे मैं कह दूँ फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, जो फर्स्ट एंड थर्ड है वो क्या है, सेम ही है, एक ही है, ये क्या है, एक ही है, मतलब दे विल बी आइडेंटिकल, क्या है ये, आइडेंटिकल नेचर के। और ये चीज़ तो फर्स्ट टाइम पढ़ चुके, तो फर्स्ट ईयर की बात अपने कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या करा इन्होंने, ये फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर क्या एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इन्होंने 6 मेंबर फॉर्म, ठीक है, ऐसा होने के कारण क्या करा कि अगर एक कायरल सेंटर पर अगर इसकी इवन चेंजेज करा जाए, स्टीरियो केमिस्ट्री इसकी चेंज की जाए, तो इवन चेंजेज कराने पर सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी क्या, सेम कॉन्फ़िगरेशन या बोले तो सेम मॉलिक्यूल प्राप्त होता, वही मॉलिक्यूल, उसमें किसी तरीके का कोई चेंजेज नहीं होता। और हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला अपन कैसे बनाते हैं नॉर्मली, कि जैसे ये खींचा इसे ऐसे, ये ऐसे, ये कार्बन 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 कार्बन, देखो एक ऑक्सीजन आ गया रिंग में और 5 कार्बन आ गए, एक कार्बन अभी भी बाकी है, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, ठीक है। देखो ये क्या है अपना एनोमरिक कार्बन है ना, तो देखो सबसे पहले क्या बनाएं, अल्फा, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। तो देखो कैसे बनाओगे इसमें, कि जैसे अल्फा डी ग्लूकोज, जैसे मैं लिखूं ये है, ये क्या है अल्फा डी ग्लूकोज, तो इसका हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैसे बनाओगे, इधर देखो ये खींचा इस तरीके से, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, ऐसे है ना। अब देखो H इधर और ये इधर OH, तो क्या करेंगे, जो इधर होता है उसे अपन ऊपर की साइड लिखेंगे, ठीक है। तो ये लिखा H और ये, मतलब H और OH, ठीक है,
ये क्या कहलाता है एनोमेरिक? कार्बन कहलाता है। अब इसको कैसे लिखूंगी? ये ओ एच, ये एच, ये ओ एच और ये एच, ठीक है। ऐसे देखो चौथे वाले को कैसे लिखूंगी? ये ओ एच और ये एच, और देखो ये क्या है? एच और ये सी एच टू ओ एच। आई क्या बात समझ में? ये क्या बन जाएगा? सी एच टू ओ एच। ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। ये क्या है? अल्फा डी ग्लूको पायरेनोस। समझ में? इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्फा डी ग्लूको पायरेनोस। क्लियर ये चीज? ये क्या हुई? अल्फा डी ग्लूकोज की पायरेनोज संरचना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बीटा डी ग्लूकोज की बात करें, देखो इधर, ये ठीक है, ये क्या है? बीटा डी ग्लूकोज, मतलब ग्लूको पायरेनोज वही है ना। हावर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैसे बनाऊँ? ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। ये बना इस तरीके से, समझ में है आप लोगों को बात है, ठीक है। इस तरीके से बनाया मैंने। अब देखो नॉर्मली क्या है कि एच और ओ एच, देखो ये ओ एच और ये एच, एनोमेरिक कार्बन, ये ओ एच, ये एच, ये ओ एच, ये एच, ये एच, ये ओ एच, ये एच और ये सी एच टू ओ एच। आई क्या बात समझ में? ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। ये क्या कहलाता है? बीटा डी ग्लूकोज। क्या कहलाता है? बीटा डी ग्लूकोज। अभी एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये छः, ठीक है। ये इस तरीके से बनेंगे, समझ में मेरी बात है, ठीक है। और ये भी ग्लूकोज के जो प्रॉपर्टीज़, जिनकी ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन नहीं देती है, उनकी एक्सप्लेनेशन कौन सी देती है? ये हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला देता है। केले के जो सिक्स मेंबर्ड रिंग बनती है पायरेनोज, मतलब इसे क्या बोलूँगी? ग्लूको पायरेनोज। क्या कहेंगे इसे? बीटा डी ग्लूको पायरेनोज, ठीक है। अब देखो ये तो हुई पायरेनोज स्ट्रक्चर, अब ग्लूकोज की फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट, ठीक है, ग्लूकोफ्यूरेनोज बनाएंगे। अब देखो कैसे बनता है ये, इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है? अल्फा डी ग्लूको फ्यूरेनोज, है ना? अल्फा डी ग्लूको फ्यूरेनोज। देखो इधर कैसे बनाऊंगी मैं इसे, इस तरीके से। कार्बन 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 और ये कार्बन, ठीक है। अब ये फर्स्ट कार्बन हो गया जो ऑक्सीजन के पास में है, है ना? देखना चला, ये H और ये OH,
एनुमरिक कार्बन एक, ठीक है, ये ओ एच, ये एच, ये ओ एच, ये एच, ये ओ एच, और ये देखो सी, ये ऐसे हैं, है ना, तो इसको क्या लिख दूँ, सी ओ एच एच, और ये सी एच टू ओ एच, देखो एक दो तीन चार पाँच छः, ये क्या बन गया, अल्फा डी ग्लूको फ्यूरिनोस, ठीक है। अब देखो बीटा डी ग्लूको फ्यूरिनोस, ये इस तरीके से क्या बना, बीटा डी ग्लूको फ्यूरिनोज, ठीक है। अब फ्यूरिनोज स्ट्रक्चर देखो, बीटा डी ग्लूकोज की ये ऐसे बनाओ, ये ऐसे, ठीक है। अब देखो ये ओ एच, ये एच, कौन सा कार्बन, एनुमरिक सी वन, समझ में मेरी बात, ये देखो ये ओ एच, ये एच, ये ओ एच, ये एच, ये ओ एच, और ये देखो सी ओ एच एच, और ये सी एच टू ओ एच, एक दो तीन चार पाँच और ये छः, इसे क्या कहेंगे, बीटा डी ग्लूको फ्यूरिनोज, बात समझ में आई क्या, इस तरीके से, ठीक है। अपन क्या बनाते हैं, ग्लूको फ्यूरिनोज की स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। और ये क्या करा था, फिशर ने दिया था, फिशर को, फिशर ने क्या कहा कि अगर ग्लूकोज को मीथेनॉल के सॉल्यूशन में 1% HCl मिलाकर 273 केल्विन टेम्परेचर पर, मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म किया जाए तो मिथाइल ग्लूकोसाइड बनता है। ये मिथाइल ग्लूकोसाइड क्या करता है, अल्फा और बीटा ग्लूकोसाइड उसे भिन्न होता है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें इसने क्या कहा, ये मिथाइल गामा ग्लूकोसाइड वाले जो मेम्बर होते हैं उनके साथ ये क्या करता है, सिमिलरिटीज शो करता है। तो नॉर्मली क्या होता है, इसको जिसका हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला है ना, जो फाइव मेंबर रिंग के रूप में बनता है, जो ग्लूकोफ्यूरिनोज बनता है, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ डी ग्लूकोज, समझ में आ रही है मेरी बात, क्लियर ये चीज़।